Hello everyone, welcome to my channel. And today we are going to talk about an indicator which is extremely useful, which is my personal indicator that I use for creating alerts on entry, exit, trailing, stop loss, kahan pe entry karna hai, kahan pe nahi karna hai. So we are going to talk about it. So generally hum ek jab bhi trade lete hain, hum dekhte hain ki support zone kahan hai, रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, क्या ट्रेंड है, जो भी ब्रेकआउट हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं, जेन्यून हो रहे हैं. इन सब के बावजूद हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ पे एंट्री करें. दूसरा ये कि हमारी सबकी एक लिमिट है, वी हैव द लिमिट ऑफ आवर रिस्क. आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, कोई ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पे आप उसमें ऐसा इनपुट कर सकें. बट दिस इंडिकेटर्स गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस, जहां पे आप अपनी लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी रिस्क कितनी है. मैं 50 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में रिस्क नहीं ले सकता. मुझे जेन्युइन ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट चाहिए, मुझे लेस रिस्क चाहिए, एंट्री जोन मुझे सही से चाहिए, मुझे सपोर्ट जोन चाहिए, रेजिस्टेंस जोन सही होनी चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस इज गिवन इन दिस इंडिकेटर. Overall, this is an indicator that provides all the solution, and we are going to see how it has given 100 plus point on daily basis. और ये जो निफ्टी पे जो पर्टिकुलर सिग्नल प्रोवाइड करता है वो फ्री में आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका नाम है algosignals/nifty. यूजर नेम है ट्रेडिंग विथ कॉन्फिडेंस. एंड Let's go to यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है. बाइंग जोन है, स्टॉप लॉस दिया हुआ है, उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके बाद में टारगेट्स दिया है, तो उसके बाद में टेबल है, लाइव टेबल जिसमें दिया हुआ है कि आपकी करेंट ट्रेड क्या चल रही है. जैसे आपका करेंटली इसमें दिया हुआ है कि ट्रेड एक्टिव है, लॉन्ग साइड में है, एंट्री रेंज कहाँ पे थी, इनिशियल रिस्क क्या था, उसके बाद करंट रिस्क कैसा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे, और नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, कि अगर आप अभी आप एग्जिट करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमा सकेंगे बेस्ड ऑन योर एंट्री. ओके, तो यहाँ पे देखिए बाइंग जोन पूरा डिफाइंड है कि आप यहाँ पे आपको बाई करना है इस जोन पे आने पर ही. और यहाँ पे रिस्क देखिए जो दिया गया है विच इज अराउंड 27 पॉइंट. सो 27 पॉइंट इज नॉट दैट मच ऑफ डील, इतनी बड़ी डील नहीं है कि हाँ 25 पॉइंट्स कम है. तो ये जो 50 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था कि 50 पॉइंट से कम रिस्क है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट से कम रिस्क है. अब चलते हैं जो मेरा यहाँ पे देखेंगे जो मेरा फ्री का व्यू टेलीग्राम चैनल है विच इज एल्गो सिग्नल्स ऑन निफ्टी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर यू कैन सी यहाँ पे दिया गया है कि 108 पॉइंट ऑलरेडी दिए हैं फ्री के ऑन दिस पर्टिकुलर सिग्नल, मतलब 4x ऑलरेडी अचीव हो चुका है विच इज 27 टाइम्स ऑफ रिस्क दैट वी हैव टेकन. ओके, उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है तो आप देख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पूरा मैसेज दिया हुआ है कि हाउ अलर्ट दिया, अलर्ट आपको आता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें. सो आपकी रिस्क कम हो रही है, जो ऑलरेडी थी वो भी कम हो रही है. अगर हम चलते हैं लेट्स गो टू इस वीक की अगर हम बात करें तो 13 तारीख से 13th of March से अगर हम बात करते हैं तो वहां से कैसे सिचुएशन रही है. ओके, लेट्स रिप्ले दोस थिंग कैसे एक्टिवेट हुआ है. ओके, 13th को 9:15 से शुरू करते हैं मार्क. ओके, एंड दीज आर इंट्राडे सिग्नल्स, सेटिंग्स हैव बीन ऑन इंट्राडे बेसिस. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिग मूव्स भी आपको मिल जाते हैं इजिली. आप यहाँ पे ये जो बिग मूव आपको दिख रहा है, ये बिग मूव आपको इजिली मिल गया है. ओके, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स. ओके, चलते हैं अब हम
इस हफ्ते के पर डे बेसिस पे ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है, ओके, बेस्ड ऑन दिस सिग्नल। सेटिंग की हमने 3x से बार प्ले करेंगे एंड वी विल सी हाउ इट गोज, ओके, सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं। सो जैसे ही हमारा 950 का शुरू हुआ वैसे मार्केट में सिग्नल आया बाई का, लेकिन वहां पे आपको एंट्री नहीं मिली, दैट्स ओके। अगर आप एंट्री लिए होते तो मिल जाती, बट अदरवाइज आपने नहीं लिया, दैट्स ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो रहा है एंड लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन रही है एंड देन अगेन आप यहाँ देखिए सेल जोन एक्टिवेट हुई और उस सेल जोन में आपको एंट्री करने का मौका पूरा दिया। यहाँ पे हमने 39 पॉइंट्स का रिस्क लिया है, 39 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। देखते हैं थ्रू 2x मिलता है कि नहीं, 2x भी मिल गया, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स डन। सो अभी आप एग्जिट करेंगे तो आपको 80 पॉइंट्स इजीली दे रहा है। देखिए और 3x 120 पॉइंट्स डन, 120 पॉइंट आपको दे दिया ऑलरेडी, 160 170 180 पॉइंट्स डन। अगर आप यहां पे एग्जिट करते हैं स्टिल यू विल हैव 200 पॉइंट्स एटलीस्ट नाउ, 270 पॉइंट्स डन, थ्री मोर देन 300 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन, 300 पॉइंट्स ऑलरेडी बीन डन। अगर आपने यहां पे ट्रेड खत्म कर दी, एग्जिट कर दिया, आराम से बैठिए, आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आपने ले लिया तो एक आपका एसएल हिट हो गया, एसएल अभी नहीं हिट हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिली। अब यहाँ पे एक में एसएल हिट हो गया, दैट्स ओके, नेक्स्ट डे शुरू हुआ है आपका सेल कॉल ऑफ कॉइन 1x डन। उसके बाद देखते हैं हमने 45 पॉइंट्स का रिस्क लिया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 45 का, और रिस्क हमारी अब जीरो हो गई क्योंकि हमने ट्रेलिंग लॉस कॉस्ट पे कर दिया है। नाउ ट्रेलिंग लॉस 90 पॉइंट्स ऑलरेडी डन, 100 पॉइंट्स डन। सो आपको 13th को 100 पॉइंट हो गया, आपको 14th को 100 पॉइंट हो गया, नाउ यू कैन रिलैक्स, अब ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन एग्जिट, बुक योर प्रॉफिट, यू आर डन फॉर द डे। जिन्होंने नहीं किया वहां पे नेक्स्ट ट्रेड उनको मिलेगी, वहां पे आप ट्रेड कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वोलेटिलिटी उसको भी मैटर करता है, आपको किस हिसाब से वोलेटिलिटी मूव कर रही है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें आप ट्रेड नहीं करें, या फिर आप कोशिश करें कि हेज करने की कोशिश करें, आप एट द मनी सी सेल कर दीजिए और ओटीएम का आप सी बाय कर लीजिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कॉस्ट पे हो गया है आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, देखते हैं हिट होता है क्या, हिट हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी आपको ऑप्शन में कमाई हो जाएगी, ऑप्शन की हेजिंग में यू विल लर्न। यहाँ पे देखिए स्मॉल स्टॉप लॉस है, आपने अगर बाय कर लिया, नेकेड बाइंग अगर ऑप्शन की है, दैट्स ओके, फ्यूचर में बाय किया है तो वेल एंड गुड, तीन बजे के ऊपर हो गया तो आप कॉस्ट पे एग्जिट कर जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 बजे की आपको बाद में एंट्री नहीं लेना है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट डे कैसा स्टार्ट हो रहा है, 15th को आते हैं, 15th को हम देखते हैं कि अब देखिए दोनों दिन आपको 200 ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया है। अब हम 15th को देखते हैं क्या 100 पॉइंट्स देगा, लेट्स सी। सेल कॉल जनरेटेड रिस्क इज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स, लेट्स सी 1x होता है या नहीं होता, वेट करते हैं।
देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस है किस तरह वो मेंटेन कर रहा है, इट इज रिस्पेक्टिंग अवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। यहां पे 1x डन, 40 पॉइंट्स डन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट से भी नीचे आ गया, तो आप ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में ही हैं। आप किसी पॉइंट 80 पॉइंट्स डन, 80 पॉइंट्स डन, 15th को भी 80 प्लस पॉइंट हो गए हैं। लेट्स से 100 पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं, हंड्रेड पॉइंट डन, 15th को भी आपको 100 पॉइंट प्लस डन। आपको अभी आप एग्जिट कर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। योर 150 पॉइंट्स डन, 160, 170 पॉइंट्स डन, कूल। नेक्स्ट डे लेट्स सी, अगर इसको हम कंटिन्यू करते तो हमारा अभी भी पोजिशनल कॉल में लंबा प्रॉफिट हो रहा होता, क्योंकि देखिए आपको सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट हाई लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। अब यहां पे ब्रेकआउट हुआ, यू कैन सी 1x इज ऑलरेडी डन, 2x इज डन, 120 पॉइंट्स ऑलरेडी डन, 16th को भी 100 पॉइंट्स ऑलरेडी डन, 16th को भी वी आर डन विद मोर देन 120 पॉइंट्स। यू कैन एग्जिट हियर, यू कैन बुक 120 पॉइंट्स, परफेक्ट। इफ यू हैवन यू कैन टेक नेक्स्ट ट्रेड। यू कैन सी 1x डन, 40 पॉइंट और मिले, देखते हैं 80 पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं। 80 पॉइंट्स और डन, सो 160 प्लस 80, 240 पॉइंट्स, 240 पॉइंट्स इन निफ्टी। अंडरस्टैंड, यू आर कैचिंग अप विद द मार्केट, बाय कॉल जनरेटेड। ठीक है, लेट्स सी 1x इज डन, 1x डन, 39 पॉइंट्स डन, कॉस्ट टू कॉस्ट यू हैव टू एग्जिट, दैट्स ओके, एटलीस्ट यू आर नॉट इन लॉस। बाय कॉल जनरेटेड, बूम। अभी 3 बजे के राउंड आ रहा है, तो आप यहां पे 3 बजे कॉस्ट टू कॉस्ट से जो भी आपका प्राइस है उस पर निकल जाइए। उसके बाद जो भी हो रहा है मार्केट, लीव इट टू, जो भी चल रहा है उसको लीव इट। 3 बजे बाद कोई ट्रेड नहीं। अभी 17th को हम आते हैं, गैप अप ओपनिंग हुआ। अब यहां पे हमें क्या ट्रेड मिलती, देखिए यहाँ पे बाइंग लेवल जो रिकमेंडेड था वो वहां पे आया नहीं, तो हम अभी यहाँ पे बाय की इंट्री हमें बाइंग लेवल पे नहीं मिला है। ओके, सेल कॉल जनरेटेड। अब यहाँ पे हमारी रिस्क है 83 पॉइंट का, लेट्स सी। स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया तो 37 हो गया, सो वी आर गोइंग एज गोइंग विद द प्राइस एक्शन। ओके, थर्टी प्लस पॉइंट, 40 प्लस पॉइंट, 60 प्लस, 70 प्लस, रिस्क फ्री हो गया। यू आर नाउ बाय कॉल जनरेटेड, ऐसा लिख, दैट्स ओके। सेल कॉल इज जनरेटेड, लेट्स सी इसमें कितना मिलता है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, एग्जिट, देन बाय कॉल इज जनरेटेड, अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिटेड, सेल कॉल आया, लेट इट वॉट एवर इट डू, वंस यू गेट 100 पॉइंट्स जस्ट लेट इट गो। बाइंग जनरेटेड, लेट्स सी हाउ दिस वन गोज। 1x डन, 2x डन, 70 प्लस पॉइंट डन, इट इज नाउ रिट्रेसिंग। लेट्स सी हमारा सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, यस इट डिड। Now we are trailing our stop loss. Now we are in profit zone. 80 points done. Now we are going for 5x. Boom. So you can see that at the closing of the market, if we had exited, then still you had earned 120 plus point. So here what we saw on each day of the week,
वी अर्न वन डे वी अर्न 300+, वी अर्न 250+, 180+, ऑलमोस्ट 100 to 200, दैट्स अ मिनिमम प्रॉफिट यू आर अर्निंग एंड यू आर गिवन अ पर्टिकुलर बाइंग लेवल. इफ यू आर थिंकिंग द रिस्क इज हाई, डोंट ट्रेड और गो विद द हेजिंग एंड एग्जिट एज सुन एज द प्राइस एक्शन और इफ देर इज अलर्ट ऑफ एग्जिटिंग. डोंट होल्ड फॉर लॉन्ग एंड दैट्स इट. So now if you are opening on the next day, you will see that there are resistance and support zone level already given. Okay, these are dynamic support and resistance level. So if there is a gap up or gap down opening, you can already kind of take trades based on the signal and based on the price action. And these breakouts or breakdown are genuine. Okay, now coming. So if you are interested in this indicator, feel free to if you are interested in indicator, please click on the link given in the description and purchase the indicator. And there is a discount code that is given for this month. So if you want to avail that, please do. Thank you.